हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू श्वेता यादव ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आईकॉन फॉर मोर अपडेट्स। कार्डियक साइकिल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसकी इंपॉर्टेंस भी हम पढ़ चुके हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की दैट इज ईसीजी यू हैव प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस सीन from a typical hospital television show a patient is hooked up to a monitoring machine that shows voltage trace on a screen and makes the sound pip 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 and pee as the patient goes into cardiac arrest i mean a kuch important baat. E. वो मशीन है जिसकी सहायता से हार्ट की एक्टिविटी को मेजर किया जाता है हम टेलीविजन पे और कई जगह हम पिक्चरों में भी देखते हैं कि एक पेशेंट को एक डिवाइस से अटैच किया गया और वहाँ से आवाज़ आ रही है पिप 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 और पी लास्ट में आवाज आ रही है और पता चला कि पर्सन को हो चुका है कार्डियक अरेस्ट इसका मतलब है हार्ट ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है इसी को मेजर करने के लिए यह मशीन यूज की जाती है दैट इज ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हम पढ़ते हैं या जो हमारी हार्ट की एक्टिविटी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है तो ग्राफ ग्राफ नहीं है ग्राफ इज द मशीन कंफ्यूज नहीं होना है This type of machine electrocardiograph is used to obtain an electrocardiogram ECG ECG is the graphical representation of the electrical activity of the heart ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल यानी कि कार्डियक साइकिल के वक्त जो हमारी हार्ट की एक्टिविटी होती है उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है और उसी को मेजर करने के लिए मशीन का यूज किया जाता है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हार्ट की एक्टिविटी को ग्राफ की सहायता से पढ़ा जाता है टू ऑप्टेन अ स्टैंडर्ड ई एज शोन

एंजाइना की वजह से डॉक्टर सबसे पहला ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि ईसीजी कराओ जिसे पता चले कि हार्ट किस प्रकार से एक्टिविटी कर रहा है कई बार हार्ट की साइज चेंज हो जाती है कई बार हार्ट डैमेज हो जाता है तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें सबसे पहले ई करने को बोला जाता है अब जब ई किया जाता है तो पर्सन की बॉडी के साथ अटैच की जाती हैं इलेक्ट्रिकल लीड जो दो हाथ पे अटैच की जाती हैं यहाँ पे और एक एंकल पे अटैच की जाती है दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी जो हमारे हार्ट की एक्टिविटी को लगातार मॉनिटर करती है फॉर अ डिटेल इवेल्यूएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन एक के के साथ पे एक साथ पे और एक लेफ्ट लेग पे यानी कि एंकल पे अटैच की जाती है और उसी के साथ साथ मल्टीपल लीड्स चेस्ट से अटैच की जाती हैं जो चेस्ट पे अटैच की जाती है उनको हम उन कहते हैं चेस्ट लीड्स और जो हाथ और पैरों पे अटैच की जाती है उनको हम उन कहते हैं लिंब लीड्स और ये सारी मिलके हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करती है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करती विल टॉक ओनली अबाउट अ स्टैंडर्ड ईसीजी। यहाँ पे इस फिगर में हम स्टैंडर्ड ईसीजी की ही केवल बात करेंगे इन द ईसीजी इज आइडेंटि जो ई जो ईसीजी है उसमें हम कुछ लेटर्स यूज करते हैं और वो लेटर स्टार्ट होता है पी से और एंड होता है टी पे यानी कि पी क्यू आर S T ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जो ईसीजी में पढ़े जाते हैं ये स्टैंडर्ड है इनको बदला नहीं जा सकता और ना ही इनका कोई डिटेल फॉर्म है दैट कॉरस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट और ये पी क्यू आर एस टी ही हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को शो करते हैं मान लीजिए ये किसी का ई जी है तो इसमें किस तरीके से हार्ट की एक्टिविटी को मेजर किया गया है पी दिस इज क्यू तो इस तरीके से ई सी जी का जो ग्राफ है वो चलता रहता है और हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करता रहता है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड ई सी जी यहाँ पे जो पी है वो छोटी वेव है क्यू आर एस आर जो है वो एक लॉन्ग वेव है और फिर जो टी है फिर से एक छोटी वेव है अब ये वेव्स क्यों बनती हैं इसकी डिटेलिंग हम करेंगे द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियाज व्हिच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रियाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन आता है ये डायरेक्ट आता है कि पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अब यहां पे समझने की बात ये है कि जब हमारा एट्रिया इम्पल्स रिसीव करता है किससे करेगा साइनो एट्रियल नोड से करेगा हमारा हार्ट मायोजेनिक हार्ट है खुद से बीट जनरेट करता है इम्पल्स जनरेट करता है तो एससे नोड ने इम्पल्स जनरेट की एस नोड एक स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू है जो इम्पल्स जनरेट करता है उसने इम्पल्स जनरेट की और इम्पल्स जनरेट करके यहाँ पे स्टार्ट हो गया एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया का का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन है इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एक्सचेंज हुए हैं और के के एक्सचेंज होने कारण एट्रियाज़ में जो आ रही है, वो डीपोलराइजेशन को शो कर रही है जब हम बायोलॉजी में इम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं तो इम्पल्स होते हैं सेल्फ प्रोपोगेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब कोई सेल रेस्टिंग कंडीशन में है तो रेस्टिंग कंडीशन में यूजुअली क्या होता है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होते हैं इस तरीके से ये मेम्ब्रेन है यहां पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं ये एक एग्जाम्पल से हम पढ़ रहे हैं अब जैसे ही सेल स्ट्यूमलाई रिसीव करती है तो स्ट्यूमलाई रिसीव करने के वजह से हलचल मच जाती एक्शन हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल तो इंपल्स का दूसरा नाम ही एक्शन पोटेंशियल खुद ही जनरेट करता, करता है तो यहां पे क्या होता है कि जब हार्ट आराम से रेस्टिंग स्टेट में है तो इसका रेस्टिंग पोटेंशियल था बट जैसे ही साइनो एट्रियल नोड ने इसको स्टूमुलेट कर दिया तो एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो गया हलचल मच गई और इसी को ही बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल इंपल्स का जनरेट होना और इसी की एक और टेक्निकल टर्म है डीपोलराइजेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियास व्हाट डज इट रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियास यहाँ पे एट्रियास कॉन्ट्रैक्शन में चले गए एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो गया और जनरेट की जब हमने ईसीजी पढ़ा तो बनी यहाँ पे पी वेव क्या बनी यहाँ पे क्या शो कर रही है एस द क्यू आर एस कॉम्पलैक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल इनिशियट देंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन अगेन क्या कह रही है लाइन एनसीआर जो है उसको समझना बहुत इजी है अगर हम एक एक शब्द पे फोकस कर लें तो तो यहां पे सबसे पहले क्या कर रहा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या शो कर रहा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है वेंट्रिकल का एक्शन पोटेंशियल यानी कि जो इंफॉर्मेशन साइनोएट्रियल नोड ने नोड को दे दी तो नोड ने अपने बंडल्स की सहायता से वेंटिकल तक पहुंचा दी यानी कि जो वेंट्रिकल शांत बैठे थे रेस्टिंग स्टेट में थे वो अब एक्शन स्टेट में आ गए एक्शन एक्शन स्टेट में आते ही उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल का दूसरा नाम है डीपोलराइजेशन यानी कि वेंट्रिकल्स का हो गया यहाँ पे डी पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन का सिंपल सा मतलब समझें कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन शो करती है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बट यहां ने ऐड कर दी वो क्या स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू क्यू के बाद यानी कि क्यू तक हर चीज शांत थी क्यू के सहारे से ही शुरुआत हो जाती है सिस्टोल की किसके सिस्टोल की वेंट्रिकल के सिस्टोल की सो फ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल क्या लाइन है द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली धीरे धीरे स्टार्ट हुआ अब यह लाइन क्यों दी गई यहां पर एटीआर का जो कॉन्ट्रेक्शन है पॉइंट सेवन सेकेंड पॉइंट वन सेकेंड का है और रिलैक्सेशन पॉइंट सेवन सेकेंड का है पॉइंट सेवन सेकेंड जब एट्रियाज रिलैक्स कर रहे थे तो वेंट्रिकल्स ने उसी वक्त कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर दिया कॉन्साइड कर गया एट्रिया का रिलैक्सेशन वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कॉन्साइड कर गया तो इसीलिए ये लाइन दी गई है कि जब एट्रिया में रिलैक्सेशन हो रहा था तो यहाँ पे क्यू वेव जनरेट हुई और उसने मार्क किया कि अब एट्रियाज जो हैं उन्हीं के साथ कॉन्साइड करेगा वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन द टी वेव रिप्रेजेंट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हम पढ़ चुके हैं टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट रिपोलराइजेशन कोई भी सेल हो हमारी बॉडी में जब वो इंपल्स रिसीव करती है तो एक्साइटेड हो जाती है यानी कि उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है वो डीपोलराइजेशन शो करती है बट हमेशा डिपोलराइज स्टेट में नहीं रह सकती वो अपनी नॉर्मल स्टेट में जरूर आएगी जब कोई भी ऑर्गन कोई भी पार्ट कोई भी सेल अपनी नॉर्मल स्टेट में आती है तो उसको बोला जाता है रीपोलराइजेशन जब वेंटिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो गया है तो वो रिलैक्स होंगे वेंटिकुलर सिस्टोल के बाद वेंटिकुलर डायस्टोल जरूर होगा तो यहाँ पे टी वेव रिप्रेजेंट कर रही है वही कंडीशन जो

एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल दोबारा से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन द एंड ऑफ टी वे टी वेव का एंड है वो सिस्टोल के एंड को रिप्रेजेंट करता है यानी कि यहाँ पे जो टी वेव है वो सिस्टोल के एंड को शो करती है और डायस्टॉल को भी शो करती है डायस्टॉल मतलब रिलैक्सेशन को भी शो करती है ऑब्वियसली बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दैट अर्कर्स इन गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट ऑफ एन इंडिविजुअल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की सहायता से एक पर्सन की हार्ट बीट को डिटरमाइन किया जा सकता है जो वेव्स हैं यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन है पोलराइजेशन है डीपोलराइजेशन है एक्शन पोटेंशियल है रेस्टिंग पोटेंशियल है वो पी क्यू आर एस टी ये सारे मिलके शो कर रहे हैं बट अगर हार्ट बीट देखनी है ईसीजी की सहायता से तो देखी जाएगी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की हेल्प से सिंस द ईसीजी ऑप्टेन फ्रॉम द डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप फॉर अ गिवन लीड्स configuration एनी derivation फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट्स अ पॉसिबल abnormality और डिजीज जब ecg ka jo का जो ग्राफ है वो बहुत सारे पर्सन में किया गया अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेम है तो ये शो करता है कि सब पर्सन हेल्दी है थोड़ा भी अगर इस इन इन ग्राफ्स में चेंजेस आता है अगर इन पीक में बदलाव आता है तो ये शो करता है किसी या डिजीज को इट इज़ ऑफ़ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ईसीजी की इंपॉर्टेंस किस लिए है कि यहां पे मेजर किया गया किया गया हार्ट की एक्टिविटी को तो डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल यूज है नेक्स्ट आता है डबल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन को हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है डबल सर्कुलेशन में हमने पढ़ा था कि जब हमारा हार्ट ब्लड पम्प करता है तो ब्लड जाता है हमारे ऑर्गन्स के पास ऑर्गन्स ब्लड को यूज करते हैं उसका ऑक्सीजन यूज करते हैं और दोबारा से हार्ट तक पहुंचा देते हैं और हार्ट ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को देता है लंग्स को तो इसको अगर एक बार दोबारा से समझें अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी तो हम क्या बोलेंगे द डबल सर्कुलेशन यहां पे हमारे हार्ट में चार चैंबर्स हैं यहां पे हम बना लेते हैं लंग्स यहां पे बना लेते हैं बॉडी पार्ट्स अब लंग्स से हार्ट के पास ब्लड आता है लेके आने वाली पल्मोनरी वेन हार्ट के लेफ्ट एट्रिया को दे देती है लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहां के बीच में प्रेजेंट है वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्लड आता है बॉडी के पास लेफ्ट वेंट्रिकल और बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए एयोटा के बीच में है एयोटिक वेल्व यहाँ पे बॉडी ब्लड को यूज करती है उसका ऑक्सीजन यूज करती है ब्लड हो जाता है डी ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने वाली वेना कैवा वेना कैवा ब्लड को रिसीव करके देती है राइट right एटरिया को राइट right एटरिया देता है राइट right वेंट्रिकल को इन दोनों के बीच में ट्राइक वेल है और राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करके दे देता है लंग्स को और लेके जाने वाली है पल्मोनरी आर्ट्री राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है पल्मोनरी वेल तो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो कौन कौन सी हैं तो इन ब्लड वेसल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे